हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। इसको आप स्वेटर में डाल सकती हैं, कार्डिगन में डाल सकती हैं, बच्चों के स्वेटर में आप इसको डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसको शॉल, स्टॉल या मफलर में भी डाल सकती हैं। फ्रंट साइड से देखिए पैटर्न ऐसा दिखाई देता है और बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह का आता है बन करके। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम एक सिलाई मोटी लेंगे और एक पतली लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 7 नंबर की निडल ली हुई है और एक ये मैंने 12 नंबर की ली है। तो इस तरह से आपको निडल लेनी है। वूल हमारा देखिए इस तरह का है, ना बहुत ज्यादा मोटा है और ना पतला है। 10 नंबर की सिलाई पर ये चल जाएगा, 10 या 11 नंबर की सिलाई पर ये वूल हमारा जो है वो चलेगा, ऐसा वूल है। पैटर्न हमारा सीधी साइड से शुरू होगा, फंदे डालने के बाद तुरंत ही आप पैटर्न को शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको बॉर्डर के बाद डाल रही हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद सीधी सिलाई से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप सीधी सिलाई पर पहले फंदे बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद इस पैटर्न को शुरू करिए, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बुनने के बाद। पैटर्न बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा सेकेंड चैनल है सरोज आर्ट एंड एम्ब्रॉयडरी और मेरे एक फ्रेंड का चैनल है पेन मीट्स अ बॉयज। तो इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज एक बार उनको देखिए और अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए। सरोज आर्ट एंड एम्ब्रॉयडरी में मैं डिजाइन एक तरीके अनेक भी बताती हूँ। उसमें एक छोटे से एम्ब्रॉयडरी डिजाइन को आप अपनी कुर्ती, ब्लाउज या साड़ी पर किस किस तरह से कर सकती हैं ये बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं पैटर्न कैसे बनाया जाएगा। ये हमारा फ्रंट साइड है और देखिए पहला फंदा हमने इधर से बुना नहीं है तो हम बुन लेते हैं। अगर आप दोनों साइड से बुन रही हैं तो आप दोनों साइड से बुन लीजिए। अब देखिए ये दूसरा फंदा हमारा सीधा है, इसको हम ऐसे नहीं बुनेंगे, इस तरह से हमें नहीं बुनना है। वूल पीछे ले जाकर इसको हमें ऐसे बुनना है, पीछे से दूसरा फंदा सीधा बुना, वूल अपनी साइड लाए। अब ये देखिए ये हमारा उल्टा फंदा है, इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, वूल पीछे साइड ले गए। अब देखिए ये सीधा फंदा है, ये देखिए। और अगर आपकी फर्स्ट रो है तो आपको एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो सीधा फंदा है वो आपको पीछे से लेना है, आगे से नहीं लेना है, आपको यहां से लेना है पीछे से। फिर वूल अपनी साइड, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, वूल पीछे साइड, एक फंदा सीधा, वूल अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, वूल पीछे साइड, एक फंदा सीधा, वूल अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। बहुत आसान डिजाइन है और बहुत सुंदर लगेगा बन करके। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो हम सीधा फंदा लेते हैं उसको हमें पीछे से लेना है, यहां से। अब देखिए ये सीधा फंदा पीछे से लेकर सीधा बुनेंगे, वूल अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, वूल पीछे साइड, एक फंदा सीधा, सीधा फंदा पीछे से लेना है, वूल अपनी साइड, अब एक फंदा उल्टा, वूल पीछे साइड, एक फंदा सीधा, वूल अपनी साइड, एक फंदा उल्टा,
पूरी सिलाई ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये फंदा सीधा और ये फंदा बिना बुना उतार लिया। अगर आप लास्ट वाला फंदा बुन रही हैं तो आप बुन सकते हैं। अब देखिए रोंग साइड, रोंग साइड में देखिए ये वाला फंदा पहले हम सीधा बुनेंगे। उधर से हमने इसको उतार लिया था, इधर से हम सीधा बुनेंगे पीछे से। अब वूल अपनी साइड, ये देखिए ये उल्टा फंदा है, ये फंदा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। वूल पीछे साइड, ये फंदा देखिए सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे पीछे से। वूल अपनी साइड, ये देखिए उल्टा फंदा है, तो ये उल्टा बुनेंगे। इधर से भी हमारा एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे ही आएगा। इधर भी हमें ध्यान रखना है कि जो सीधा फंदा है वो हम पीछे से बुनेंगे और उल्टा फंदा वैसे ही बुनेंगे जैसे हम नॉर्मल उल्टा फंदा बुनते हैं। वूल पीछे साइड, ये देखिए सीधा फंदा, सीधा बुना पीछे से और उल्टा फंदा उल्टा बुना। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वूल हम आगे पीछे करते रहेंगे। जब हम उल्टा फंदा बुनेंगे तो वूल आगे साइड लाएंगे और जब हम सीधा फंदा बुनेंगे तो वूल को पीछे साइड ले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये फंदा उल्टा, वूल पीछे साइड, ये फंदा सीधा। वूल अपनी साइड, ये फंदा उल्टा, वूल पीछे साइड, ये फंदा सीधा। ये फंदा सीधा बुन लेना है। अब देखिए हमारी दो सिलाई कंप्लीट हो गई। इन्हीं दोनों सिलाइयों को रिपीट करते जाना है, पैटर्न अपने आप आता जाएगा। अब फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई। सीधी सिलाई हम फिर से वैसे ही बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा पीछे से सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी तरह से दोनों सिलाइयों पर बुना जाएगा, सीधी सिलाई पर भी और उल्टी सिलाई पर भी। अगर आप इसको थोड़ा सा मोटी वूल में डालेंगे तो आपको ये सिलाई भी और मोटी लेनी होगी। ये वूल हमारा देखिए इस तरह का है जो 10 या 11 नंबर सिलाई पर चलेगा, तो इसको मैंने 7 नंबर पर बुना है, 7 नंबर और ये 12 नंबर। बहुत ही प्यारा पैटर्न है और बहुत सुंदर लगता है बनकर के। आप इसको किसी भी कलर में डालिए, इसको आप जैकेट में भी डाल सकती हैं, कोटी में भी डाल सकती हैं, कैप मफलर स्टोल में तो डाल ही सकती हैं, इसके साथ साथ आप इसको गर्ल्स टॉप में भी डाल सकते हैं। जीन्स के ऊपर जो टॉप पहनती हैं गर्ल्स, उसमें भी आप इस पैटर्न को डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों की फ्रॉक में भी आप इसको डाल सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।